हार्दिक पांड्या की ना प्रोफेशनल लाइफ में तो लेसन लगे पड़े थे, ऐसे ही है ना अचानक से बांस का दरख्त उग गया, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में आर पार हो गया। मुंबई इंडियंस कप्तानी, 14 में से 4 मैच सिर्फ जीतना, पहली टीम बनना, आईपीएल 2024 से बाहर होने वाली इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, ऑल द कॉन्ट्रोवर्सी, ऑल द ड्रामा। लेकिन भाई साहब प्रोफेशनल के बाद ना हार्दिक पांड्या की जो पर्सनल जिंदगी है ना यार, उधर भी कुछ घोड़े लगे पड़े हैं, खबरें कुछ ठीक नहीं हैं। उनकी वाइफ जो हैं नताशा स्टानकोविक, नताशा और हार्दिक के बीच में ना कोई मामलात ठीक नहीं है, मामलात जा रहे हैं डाइवोर्स की तरफ, ये खबरें मेजर मीडिया आउटलेट्स वहाँ पर कवर करते हुए नज़र आते हैं। आपको ना मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ना बिलफर्ज दो दोस्त हैं, वसीम और कामरान, चाय के ढाबे के ऊपर या चाय की टपड़ी के ऊपर आकर बैठे हैं। वसीम ने कामरान को बताया कि कामरान तुझे पता है वो फलानी एक्ट्रेस यार, उसने अपना सरनेम चेंज कर दिया, मतलब सरनेम आपके नाम के बाद आपके वालिद का नाम या आपके शोहर का नाम, उसको सरनेम कहते हैं। अच्छा, तो कामरान कहता है कि बाप बदल लिया होगा। वसीम कहता है भाई नहीं बे, वो मैरिड है, शोहर का नाम है उसका सरनेम। तो कामरान आगे से उसको ये कहता है तो शोहर बदल लिया होगा। अब वसीम उसका मुंह देख रहा है कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। तो कामरान उससे ये पूछता है वसीम से, एक बात बता, उसने अपना सरनेम चेंज करके वसीम रखा है क्या? तो वसीम आगे से जवाब देता है नहीं। तो कामरान उससे कहता है पर तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, चाय पी, ठंडी हो रही है, हमारे यहाँ पर इस किस्म की चीज़ों को इस तरीके से ब्रश ऑफ कर दिया जाता है कि सानू की इंडिया में इसकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना 180 डिग्री अपोजिट है। भाई साहब वहाँ पर ना क्रिकेट और बॉलीवुड को इस लेवल तक फॉलो किया जाता है कि माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ना वो बैठे होते हैं लोग, और ये जो सोशल मीडिया पे फैंस होते हैं ना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर लाते हैं कि बंदा हैरान परेशान रह जाता है। मिसाल के तौर पर आप सुने, अच्छा कुछ चीज़ें गलत भी हैं, सारी रिपोर्ट जो आ रही है ना उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हैं, वो भी आपको बताता हूँ। नताशा ने अपना जो सरनेम है वो चेंज कर दिया, इनका पहले इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना जो सर रखा हुआ था पूरा नाम वो था नताशा स्टैनकोविक पांड्या, पांड्या अब गायब हो गया है। फैंस को लगता है, क्योंकि फैंस को पता है कि जब भी किसी भी दो सेलिब्रिटी कपल के बीच में डाइवोर्स वाला मामला होता है तो सरनेम गायब हो जाते हैं। अच्छा, एक तो सरनेम गायब हो गए हैं, दूसरा काफ़ी टाइम से इन दोनों ने एक दूसरे के लिए कुछ पोस्ट नहीं किया, एक दूसरे के साथ कोई तस्वीर शस्वीर कोई चक्कर नहीं है, एक दूसरे की पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट कोई चक्कर नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, फैंस ये भी कहते हैं कि 4th of March को नताशा की हैप्पी बर्थडे थी, पांड्या ने कोई कमेंट नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। कैसा, वो कहते हैं कैसा शोहर है कि बीवी की बर्थडे है और उसने कुछ पोस्ट ही नहीं किया, हाउ कम, वैलिड पॉइंट। अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि नताशा एक भी आईपीएल मैच देखने नहीं आई मुंबई इंडियंस के लिए, वो स्टैंड्स में कहीं पर भी नज़र नहीं आई। विराट कोहली की वाइफ नज़र आईं, चाहल की वाइफ नज़र आईं, बाकियों की वाइफ नज़र आईं, इनकी नहीं थी, पांड्या की वाइफ नहीं थी, फेयर पॉइंट, ये भी समझ में आता है। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि इनके दरमियान काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इसकी वजह से अब बात जा रही है डाइवोर्स की तरफ, और प्लस डाइवोर्स होती है तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि पांड्या का जितना भी टोटल कमाया हुआ रुपया धन दौलत जितना कुछ भी है उसका 70% नताशा को मिलेगा। तो मेरे जहन में ना शेखर धवन आ गया। शेखर धवन की आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है? सर आप शेखर धवन की स्टोरी पढ़े, आपका औरत जात से ईमान ही उठ जाना है। वो ऐसी अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी है भाई साहब, वो डिप्रेशन मेरा एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम। अब मैं ये नहीं कहता कि हर औरत उसकी वाइफ की तरह की होती है, लेकिन बहुत ही ट्रेजिक किस्म की शेखर धवन की स्टोरी है। उसकी वाइफ बेसिकली गोल्ड डिगर निकली, खा गई शेखर धवन को सारा, कमिटमेंट्स कुछ और की हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया आई कुछ और बन गई, ऑस्ट्रेलिया वापस ना जाने की बात हुई थी, ना जाना तो छोड़े सर, बच्चा भी ले गई शेखर धवन का, मिलने भी नहीं देती, और बड़े मसाइल शेखर धवन के हुए। तो पांड्या का भी साथ कहीं ऊपर वाला ना करे, इस किस्म का कोई काम हो जाए। पहली चीज़ तो ये है ना कि ये मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी के आगे पीछे होने का मामला है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नताशा अगर डाइवोर्स लेती है कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि
पांड्या जी इतने होशियार थे कि उन्होंने ना इस मामले में कैलकुलेशन करके रखी हुई थी। पांड्या की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, फलाना टिमकाना, जो कुछ भी है, सारे का सारा पांड्या की मम्मी के नाम पर है। ये पांड्या ने खुद बताया हुआ है एक पॉडकास्ट में, और उसने उस टाइम भी कहा था पॉडकास्ट में कि मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं आने वाले वक्तों में भाई साहब अपनी प्रॉपर्टी का, इतनी मेहनत से कमाया हुआ का 50% किसी को दे दूँ। ये पांड्या के अपने वर्ड्स हैं। तो प्रॉपर्टी तो पांड्या की कहीं नहीं जा रही। अच्छा, दूसरी चीज़ कहते हैं कि पांड्या नताशा ने अपने इंस्टाग्राम में से पांड्या की सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी हैं, सिर्फ वही पड़ी हुई हैं जो पांड्या और उनके बेटे अगस्ता पांड्या उसकी हैं। ऐसी बात नहीं है, नताशा के इंस्टाग्राम के ऊपर अभी भी नताशा और पांड्या की तस्वीर पड़ी हुई हैं। ये भी एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, तस्वीरें पड़ी हुई हैं। अब मीडिया में नताशा से सवाल हुआ है कि आपकी और क्या पांड्या की डिवोर्स की तरफ बात जा रही है, तो उस पर नताशा ने कोई कमेंट नहीं किया, सिर्फ थैंक यू बोलकर वो निकल गई हैं मीडिया के सामने से। अब ये भी एक जिसे कहते हैं घनचक्कर ही है कि यार अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दें कि नहीं ये सिर्फ रूमर्स हैं या समथिंग, लेकिन नताशा ने ऐसी कोई बात की नहीं। तो अब आई रियली डोंट नो कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। आई रियली होप कि यार ये डिवोर्स की तरफ मामला ना जाए। पांड्या की क्रिकेट से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी कप्तानी से इख्तलाफ कर सकते हैं, चले उसकी ज़ात की कुछ चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, इसमें पांड्या को सपोर्ट करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्डली इस चीज़ में मैं तो हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करूँगा, एंड आई रियली होप कि मामला इतनी जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम तक ना जाए। यार बच्चे सफ़र हो जाते हैं, आप कभी आप डाइवोर्सी कपल के जाके बच्चे चेक करें ना, तो ज़्यादातर आपको नॉर्मल बच्चे नहीं मिलेंगे, वो बेचारे बस उनके कुछ और ही मामलात हो जाते हैं फिर। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो एक पूरी जनरेशन हो जाती है ना अगली। तो आई रियली होप कि इस किस्म का कोई काम ना हो। पांड्या के मंगल, शनि जो भी बैठा हुआ है, वो जिस तरह वैनम खा जाता है ना मार्वल में, वो पूरे का पूरा सालम बंदा, फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि ये शनि मंगल शंगल के जो भी हैं ना, ये पूरे के पूरे निकल कर बैठे हुए हैं पांड्या को। आई होप इस किस्म का कुछ ना हो, मेरी तो दिली तमन्ना, दिली आरजू, ऊपर वाले से दुआ भी यही है। सो बेस्ट विशेस टू हार्दिक पांड्या पर्सनल लाइफ में। आई रियली होप के ही डज वेल, मैं यही कहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, और पांड्या से जितने भी इख्तलाफात हैं ना वो क्रिकेट तक रहने दें, वो जो ज़ाती और पर्सनल नोयत की चीज़ें हैं, हमें उसमें एज अ फ्रेंड मैं आपको कहूँगा कि वी शुड सपोर्ट पांड्या। थैंक यू, पीस आउट।